हेलो एवरी वन टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेट इज चेन स्टोर्स और मल्टीपल शॉप्स स्टूडेंट्स दिस वीडियो इज़ एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ माई प्रीवियस वीडियोज विच आर रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लार्ज स्केल रिटेलर्स स्टूडेंट्स इन माई प्रीवियस वीडियो आई टॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स विच इज़ वन फॉर्म ऑफ लार्ज स्केल रिटेलर्स अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल टीच यू एनअर फॉर्म ऑफ लार्ज स्केल रिटेलर डैट इज़ चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप्स स्टूडेंट्स चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप्स बेसिकली एक ही टाइप के स्टोर होते हैं डोंट गेट कन्फ्यूज़ कि चेन स्टोर अलग चीज़ है और मल्टीपल शॉप्स अलग हैं ये दोनों एक ही टाइप के इस्टोर होते हैं बट इनके नेम डिफरेंट हैं क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर अलग नाम से जाने जाते हैं ओके सो स्टूडेंट्स देख लेते हैं चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप्स क्या होते हैं सो स्टूडेंट चेन स्टोर्स आर सेट ऑफ मल्टीपल रिटेल शॉप्स विच ऑपरेट अंडर वन ब्रांड नेम एंड हैव द कॉमन ओनरशिप सो स्टूडेंट चेन स्टोर्स जो हैं वो सेट है नंबर ऑफ रिटेल शॉप्स का जो कि एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम के अंदर वर्क करते हैं ऑपरेट करते हैं और इनकी कॉमन ओनरशिप होती है मीनस इन चेन स्टोर्स को एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है और मैनेज करती है स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर चेन स्टोर्स जो हैं या ये पर्टिकुलर मल्टीपल शॉप जो हैं वो कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इस्टेब्लिश होते हैं या तो आपको एक पर्टिकुलर सिटी में ही नंबर ऑफ़ चेन स्टोर्स मिल जाएंगे या एक पर्टिकुलर स्टेट में डिफरेंट सिटीज़ में आपको ये चेन स्टोर्स मिल जाएंगे मींस आपको कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ये चेन स्टोर्स और मल्टीपल शॉप जो इस्टैब्लिश दिखेंगे ओके okay? स्टूडेंट्स दी शॉप्स ऑफ इन इवन हैव सिमिलर लुक्स एंड डिज़ाइंस इवन द डिस्प्ले सिस्टम कलर स्कीम अदर अरेंजमेंट्स आर कैप्ट यूनिफॉर्म एंड दिस हेल्प द स्टोर रिटेन इट्स ब्रांड आइडेंटिटी सो स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर शॉप जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर लुक की होती हैं और इनकी डिज़ाइन भी इवन सिमिलर होती है सो स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर चेन स्टोर का जो इन्फ्रास्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है इनका जो ब्रांड नेम का लोगो होता है वो भी आपको एक ही कलर का दिखेगा एक ही स्टाइल का दिखेगा एक ही डिज़ाइन का दिखेगा प्लस अगर आप इनके इन स्टोर्स के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको इनका जो फर्नीचर पड़ा होगा वो पर्टिकुलर आपको एक ही डिज़ाइन का दिखेगा एक ही कलर का दिखेगा इनके यहाँ जो भी आप डिस्प्ले सिस्टम देखोगे आपकी जो शेल्फ्स होंगी जो भी पर्टिकुलर आइटम ये आपको देते होंगे वो सारी चीज़ें आपको एक ही जैसी मिलेंगी कलर स्कीम भी इनकी एक जैसी होती है फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स अगर आप बाटा का शोरूम विज़िट करते हैं तो आपको बाटा जो है वो हर जगह रेड और वाइट में ही दिखता है बाटा जो आपको इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी एक ही जैसा दिखता है एक जैसी सेल्व हैं जो आपको ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं वो भी, भी एक ही जैसे होते हैं इनकी कलर स्कीम भी एक ही जैसी होती है और सारे स्टोर्स का सारे इन चेन स्टोर्स का अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है एक जैसा होता है और बेसिकली ऐसा स्टूडेंट्स इसलिए होता है जिससे कि ये अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को रिटेन रख सके आप जिस भी सिटी में जाइए अगर आप एक ही जैसे स्टोर्स देखते हैं सपोज आप बाटा स्टोर्स को देखते हैं तो आपको हर सिटी में या हर सिटी के डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटीज़ में जहाँ पर भी बाटा स्टोर होगा वो आपको सब जगह सिमिलर ही दिखेगा इससे जो है आपको बाटा स्टोर की आइडेंटिटी जो है वो तुरंत ही क्लियर हो जाती है स्टूडेंट्स ऑफिन दीज चेन्स स्टोर्स विल डील इन स्टैंडर्डाज एंड पैकेज ब्रांडेड प्रोडक्ट्स सो बेसिकली स्टूडेंट एज ए ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये पर्टिकुलर चेन स्टोर या मल्टीपल शॉप जो हैं वो प्रोडक्ट्स भी एक ही तरीके से प्रोवाइड करती हैं अगर आप बाटा कंपनी के किसी स्टोर में चले जाइए तो जो आप फुटवेयर वहाँ देख रहे होंगे वो आपको दूसरे सिटीज़ में भी मिल जाएंगे सो so बेसिकली इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्टैंडर्डाइज होते हैं एक ही जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं ये नहीं कि एक पर्टिकुलर बाटा स्टोर में अलग फुटवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं ए, अलग टाइप के फुटवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरे बाटा स्टोर में अलग फुटवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं और ये पर्टिकुलर चेन स्टोर जो हैं वो पैकेज ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में डील करती हैं तो बेसिकली इन चेन स्टोर्स के प्रोडक्ट्स जो हैं वो ब्रांडेड होते हैं और वो अलग पैकेजिंग में पैक किए जाते हैं जिससे कि कंज्यूमर जो है वो इन पर्टिकुलर चेन स्टोर से जब भी प्रोडक्ट खरीदे तो उसको वो पर्टिकुलर ऐसा लगे कि ये प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज हैं वो ब्रांडेड हैं और एक बढ़िया कंपनी के हैं ओके स्टूडेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल आप एज़्यूम कीजिए आपने एक पर्टिकुलर स्टोर खोला है अपनी सिटी में और आपने नोटिस किया है कि आपका स्टोर अच्छा चल रहा है अच्छी सेल्स हो रही हैं अच्छा प्रॉफिट हो रहा है आपको तो आपने क्या किया आपने इससे मिलता जुलता ही एक स्टोर और खोल दिया ठीक है और उसमें अगर आपकी अच्छी प्रॉफिट हो रही अच्छी अर्निंग हो रही तो आपने उससे मिलता जुलता एक और स्टोर खोल दिया उसमें अच्छी अर्निंग हो रही उसमें अच्छी प्रॉफिट हो रही है तो आपने उससे मिलता जुलता एक स्टोर और खोल दिया एंड सो ऑन सो बेसिकली आपने क्या किया आपने अपने ही स्टोर से डिफरेंट डिफरेंट स्टोर जो हैं वो और खोले जो कि बिल्कुल आइडेंटिटी में एक जैसे है दिखने में एक जैसे हैं आपका ब्रांड लोगो उसमें एक जैसा है कलर स्कीम जो है वो भी एक जैसी है और हर तरीके का आपने जो अरेंजमेंट किया है वो अपने मेन स्टोर जैसा ही किया है सो बेसिकली स्टूडेंट इन पर्टिकुलर सारे स्टोर्स को खोला किसने हैं इन पर्टिकुलर सारे स्टोर्स को खोला आपने हैं आप इन सारे स्टोर्स को मैनेज कर रहे हो इन्हें कंट्रोल कर रहे हो सो so ये सारे स्टोर्स हैं किसके आपके हैं सो so स्टूडेंट्स जब आपने अलग अलग लोकेशंस पर ये स्टोर्स ओपन किए हैं तो इससे एक फ़ायदा हुआ है वो ये कि हर एक एरिया के आसपास रहने वाले लोग उसको ईज़िली विज़िट कर पाएंगे मीन्स दे डोंट हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच दीज स्टोरस स्टूडेंट्स आपने एक पर्टिकुलर सिटी में ये स्टोरस खोले उसके बाद आपने दूसरी सिटी में खोलिए अगर आपकी सिटी बड़ी है तो आपने एक सिटी में नंबर ऑफ स्टोर ऐसे खोल दिए सो बेसिकली इससे प्रॉफिट किसको हुआ आपकी तो सेल्स इंक्रीज होगी आपके तो प्रोफ़िट इंक्रीज होंगे बट इससे कंज्यूमर्स को भी प्रॉफिट होगा बिकॉज दे डोंट हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच योर स्टोर्स जैसा कि डिपार्टमेंटल स्टोर में आपने पढ़ा था डिपार्टमेंटल स्टोर्स की एक लिमिटेशन ये थी कि पर्टिकुलर लोग जो आउटस्कर्ट्स में रह रहे हैं जो लोग सब अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं वो डिपार्टमेंटल स्टोर तक नहीं पहुंच पाते थे बट रिटेल चेन सॉरी मल्टीपल शॉप्स और चेन स्टोर में ऐसा नहीं होता है बिकॉज़ ये हर एक लोकेलेटी में आपको मिलते हैं और जो भी उस लोकेलेटीज में रहता है वो अपने पास के चेन स्टोर में जा कर के प्रोडक्ट्स को ईज़िली परचेज कर लेते हैं सो स्टूडेंट्स आई होप आपको चेन स्टोर क्या होता है बेसिकली वो क्लियर हुआ होगा ओके सो स्टूडेंट्स लेट सी मोर अबाउट चेन स्टोर एंड मल्टीपल शॉप्स सो स्टूडेंट दीज टाइप ऑफ रिटेल स्टोर एक्चुअली ओरिजिनेटेड इन अमेरिका बट नाउ सीन वर्ल्ड वाइड सो बेसिकली स्टूडेंट्स आपका ये चेन स्टोर जो है या ये मल्टीपल शॉप्स हैं ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ ये पर्टिकुलर चीज़ आई कहाँ से तो बेसिकली ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो अमेरिका से ओरिजिनेट हुई है और अब ये आपको वर्ल्ड वाइड जो है वो दिखती है स्टूडेंट जैसा कि हमने बताया था ये पर्टिकुलर चेन स्टोर्स हैं या मल्टीपल शॉप्स हैं ये हैं एक ही चीज बट आपको अलग अलग नेम से अलग अलग जगह पर जानी जाती हैं स्टूडेंट्स यू में इन पर्टिकुलर शॉप्स को हम बोलते हैं चेन स्टोर्स बट अगर आप कहीं पे यूरोप वाली जगह पे चले जाएं यूरोप के एरियाज में चले जाएं तो आप इन पर्टिकुलर शॉप्स को बोलोगे चेन स्टोर्स ओके सो बेसिकली आप जिस जगह पे जाते हो उस जगह पे इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है ओके मोर ओवर स्टूडेंट दी शॉप्स आर सिचुएटेड एट वेरियस प्लेस इन अ सिटी और दे कैन बी सिचुएटेड इन वेरियस सिटीज सो स्टूडेंट्स एज ऑलरेडी टोल्ड यू ये पर्टिकुलर चेन स्टोर जो है वो कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं या तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में होते हैं या एक पर्टिकुलर सिटी में डिफरेंट प्लेसेस पे होते हैं ओके स्टूडेंट्स देर इज़ अ डेफिनीशन ऑफ चेन स्टोर्स और मल्टीपल शॉप्स डेट इज गिवन बाय पीडी कन्वर्स डैट नंबर ऑफ रिटेल स्टोर्स ऑपरेटिंग अंडर अ कॉमन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट तो बेसिकली स्टूडेंट आपके चेन स्टोर्स और मल्टीपल शॉप्स जो है वो सेट है रिटेल स्टोर्स का जो कि एक कॉमन ओनरशिप के अंडर ऑपरेट करते हैं और उनको एक ही कंपनी मैनेज करती है ओके सो स्टूडेंट एज आई गेव यू द एग्जाम्पल कि अगर आप एक पर्टिकुलर स्टोर खोलते हैं ओके okay? और आपका वो प्रॉफिट कमा के दे रहा है आपको ईजीली वो अच्छा चल रहा है तो आपने क्या किया उससे एक स्टोर और खोला आपका ये प्रोडक्ट ये स्टोर भी अच्छा चल रहा है तो आपने दूसरा स्टोर खोला आपका ये स्टोर भी अच्छा चल रहा है तो आपने तीसरा स्टोर खोल दिया सो so बेसिकली इसको हम बोलते हैं चेन स्टोर या मल्टीपल शॉप सो स्टूडेंट आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कम्प्लीटली कि चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप बेसिकली होते क्या स्टूडेंट्स विद दिस वी हैव सर्टन एग्जाम्पल्स ऑफ चेन स्टोर विच आर अवेलेबल इन इंडिया डेट इज़ रेमेंड बाटा मुफत लाल फैमिली शॉप मैकडोनल्ड्स निरुलास सो बेसिकली स्टूडेंट देर आर नंबर ऑफ़ चेन स्टोर अवेलेबल इन इंडिया और सब के बारे में हम आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं बता सकते हैं और ना ही उनके बारे में पढ़ा सकते हैं बट हेयर आर सम एग्जाम्पल्स जिससे आपको थोड़ा ये कॉन्सेप्ट जो है चेन स्टोर का क्लियर होगा अगर आप बाटा विजिट करते हैं तो बेसिकली आप देखते होंगे कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक जैसा है इनकी डिज़ाइन एक जैसी इनकी कलर स्कीम एक जैसी है जो भी प्रोडक्ट आपको देते हैं वो बेसिकली एक जैसा है स्टूडेंट्स आई होप और आई थिंक कि आपने ये पर्टिकुलर मैकडोनल्ड जो है वो नंबर ऑफ टाइम अपनी लाइफ में विज़िट किया होगा और आपने देखा होगा कि ये पर्टिकुलर मैकडोनल्ड जो है वो एक ही टाइप के स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करता है फूड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है आपको इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक ही जैसा दिखता है इनका नेम इनका लोगो सब आपको एक जैसा दिखता है इनकी जो कलर स्कीम है वो भी एक जैसी दिखती है सो स्टूडेंट आई होप आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा टू मेक दिस मोर क्लियर वी हैव सम फीचर्स ऑफ चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप्स सो स्टूडेंट फर्स्ट फीचर ऑफ़ चेन स्टोर इज लोकेशन सो स्टूडेंट दीज शॉप्स आर लोकेटेड इन फेयरली पॉपुलस लोकेलेटीज़ वेयर आर नंबर ऑफ कस्टमर्स कैन बी अप्रोच स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर चेन स्टोर जो हैं वो पॉपुलेटेड लोकेलिटीज़ में इस्टेब्लिश किए जाते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हैं वो अप्रोच कर सकें इन्हें ये बेसिकली उन एरियाज में होते हैं जहाँ पे कस्टमर फुटफॉल जो है वो बढ़ता है ओके जहाँ पर कस्टमर फुटफॉल ज़्यादा होता है ओके okay? स्टूडेंट्स विद दिस वी हैव अनदर फीचर ऑफ चेन स्टोर दैट इज़ नेचर ऑफ द प्रोडक्ट सो स्टूडेंट्स दीज शॉप्स डील इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन एंड स्पेशलाइज इन द सेम प्रोडक्ट दैट इज स्टैंडर्डाइज एंड ब्रांडेड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सो स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर चेन स्टोर जो हैं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में ही स्पेशलाइज होते हैं मीन्स ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ही आपको डील करते हैं ये आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन या आपको सिंगल प्रोडक्ट लाइन जो है वो ऑफ़र करते हैं स्टूडेंट्स जैसे कि आप अगर बाटा शोरूम जाइए तो वो आपको बेसिकली फुटवेयर ऑफ़र करते हैं अगर आप मैकडी जाइए तो वो बेसिकली आपको बर्गर और इनसे रिलेटेड फ़ास्ट फूड आइटम्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं ओके okay? अगर आप रेमेंट चले जाइए तो बेसिकली वो आपको क्लोदिंग प्रोवाइड करते हैं सो so, स्टूडेंट्स ये जो है वो सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर को ऑफर करते हैं और पर्टिकुलर इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टैंडर्डाइज होते हैं एक ही जैसे सबके होते हैं प्रोडक्ट और ये ब्रांडेड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंज्यूमर को ऑफर करते हैं ओके विद दिस स्टूडेंट वी हैव अनदर फीचर ऑफ दिस चेन स्टोर डेट इज़ सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सो स्टूडेंट द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स फॉर ऑल द रिटेल यूनिट्स इज सेंट्रलाइज एट द हेड ऑफिस फ्राम वेयर द गुड्स आर डिस्पैच टू ईच ऑफ दीज शॉप सो स्टूडेंट जैसे आपका डिपार्टमेंटल स्टोर में आपका सेंट्रलाइज मैनेजमेंट था वैसे ही आपका रिटेल स्टोर में भी सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है स्टूडेंट्स ये जो चेन स्टोर हैं जो कि वर्ल्ड वाइड डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में और डिफरेंट डिफरेंट लोकेलेटीज में स्टेब्लिश हैं इन सब की गुड्स की मैन्यूफेक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट जो है वो बेसिकली सेंट्रलाइज होती है जहाँ पे इन चेन स्टोर्स का हेड ऑफिस होता है वहीं पे सारे गुड्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और वहीं से इन सारे चेन स्टोर्स को गुड्स जो हैं वो डिस्पैच कराए जाते हैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स इंडिया में मैकडोनल्ड्स का मैन्युफैक्चरिंग जो है प्रोडक्ट्स का वो पुणे में होता है और वहीं से सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिस्पैच किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट चेन स्टोर्स में जो कि मैकडी के इंडिया में अवेलेबल हैं ओके विद दिस स्टूडेंट वी हैव एनदर फीचर ऑफ चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप डैट इज़ fixed price सो so, स्टूडेंट the price ऑफ गुड्स आर fixed and ऑल सेल्स आर मेड ऑन कैश बेसिस सो बेसिकली स्टूडेंट इन पर्टिकुलर चेन स्टोर्स में सारे गुड्स का प्राइस जो है वो फिक्स्ड रहता है आपको जिस पर्टिकुलर आप सपोज कीजिए आप अपनी सिटी में किसी चेन स्टोर में गए हैं तो वहाँ पे अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो उसका जो प्राइस होगा वही आपको दूसरे सिटी में उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो सेम मिलेगा मोर ओवर यहाँ पे जो भी सेल्स हैं वो कैश बेसिस पे होती हैं यहाँ पे कोई भी क्रेडिट नहीं चलता है आप उन्हें पैसे दीजिए वो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएंगे ओके okay? सो so, यहाँ पे गुड्स का प्राइस जो है वो फिक्स रहता है अगर आप किसी भी मैगडी में जाते हैं आप मैगडी में, में कोई बर्गर ऑर्डर करते हैं तो जो बर्गर का प्राइस आपकी सिटी में है वही बर्गर मैगडी के बर्गर का प्राइस जो है वो दूसरे सिटी में होगा एंड सो ऑन ओके विद दिस स्टूडेंट वी हैव एन अदर फीचर ऑफ चेन स्टोर डेट इज़ रोल ऑफ सेल्स पर्सनल सो बेसिकली स्टूडेंट ये पर्टिकुलर चेन स्टोर्स जो हैं वो एक ही पर्सन या एक ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैनेज कर, करता है और ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो हर एक चेन स्टोर में नहीं रह सकता है एक ही टाइम पे सो so, इसके लिए वो क्या करते हैं वो सेल्स पर्सनल्स को हायर करते हैं सेल्स स्टाफ को हायर करते हैं जो इन पर्टिकुलर चेन स्टोर्स में वर्क करते हैं सो स्टूडेंट द सेल्स पर्सन प्ले एन एक्टिव रोल इन हेल्पिंग द कंज्यूमर्स टू कम्प्लीट देयर शॉपिंग दैट इज़ इन द सेलेक्शन एंड चॉइस ऑफ देयर गुड्स एज पर टेस्ट सो बेसिकली स्टूडेंट ये सेल्स पर्सन जो है वो कंज्यूमर्स को बहुत हेल्प करते हैं अपनी शॉपिंग कम्प्लीट करने में ये बेसिकली उनके टेस्ट और उनके प्रिफ्रेंस के अकॉर्डिंग उनको गुड्स दिखाते हैं उनको सेलेक्ट करने में हेल्प करते हैं उनके चॉइस के रिगार्डिंग वो उनकी चॉइस और नीड के अकॉर्डिंग वो गुड्स को उन्हें दिखाते हैं और हेल्प करते हैं कि वो कौन सा प्रोडक्ट जो है उस पर्टिकुलर स्टोर से परचेज करें ओके फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स अगर आप बाटा शोरूम जाते हैं और वहाँ पे आप सेवरल फुटवेयर देखते हैं अपने लिए तो आपको वहाँ पे जो भी सेल्स पर्सनल है वो हेल्प करते हैं कि आप कौन सा शूज़ खरीदिए कौन सा कम्फर्टेबल है कौन सा आपके ऊपर बेटर लगेगा इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग वो आपको हेल्प करते हैं ओके विद दिस स्टूडेंट वी हैव एनदर कॉन्सेप्ट डेट इज़ एडवाटेज ऑफ चेन स्टोर सो स्टूडेंट यहाँ पे हमने चेन स्टोर के बारे में कंप्लीट समझ लिया है वो क्या है उसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं अब देख लेते हैं चेन स्टोर के एडवांटेजेस क्या हैं सो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ चेन स्टोर इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल मल्टीपल शॉप्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई मैन्यूफैक्चरर और इंटरमीडरी सो बेसिकली स्टूडेंट ये मल्टीपल शॉप या चेन स्टोर जो हैं इन्हें कौन ऑपरेट करता है दीज आर ऑपरेटेड बाई ईदर मैन्यूफैक्चरर्स और इंटरमीडरीज या तो इन्हें कोई मैन्युफैक्चरर ऑपरेट करता है ओन्ड करता है या ये पर्टिकुलर इंटरमीडरीज इन्हें ओन्ड करते हैं या ऑपरेट करते हैं मे बी होल सेलर्स मे बी रिटेलर्स सो स्टूडेंट्स दीज पर्टिकुलर चेन स्टोर हैव सेंट्रलाइज एंड बल्क बाइंग विच रिजल्ट इन लोअर कॉस्ट सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी इन चेन स्टोर्स की जो भी बाइंग है जो भी ये प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं वो सेंट्रलाइज होती है मीन्स ये डायरेक्टली हेड ऑफिस से ही गुड्स को परचेज करते हैं और जब आप हर एक पर्टिकुलर स्टोर जो है वो बल्क में बाय कर रहा है इन पर्टिकुलर हेड ऑफिस से जहाँ पे सारी ही मैन्युफैक्चरिंग होती है सो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा जब आपके सारे प्रोडक्ट्स जो है वो जल्दी जल्दी खरीदे जा रहे हैं तो क्या होगा आप बल्क में प्रोड्यूस करते हो प्रोडक्ट्स को जब आप बल्क में गुड्स को प्रोड्यूस करते हो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हो तो क्या होता है इकनॉमीज ऑफ स्केल होती है मीन्स आपका पर यूनिट प्रोडक्ट जो है पर यूनिट प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वो कम आता है ओके okay? इसी की वजह से आपका हेल्प होती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करने में ओके विद दिस स्टूडेंट वी हैव अनादर एडवांटेज ऑफ चेन स्टोर दैट इज एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन गुड्स आर सोल्ड इन मल्टीपल शॉप्स एट रिलेटिवली लोअर प्राइस बाई सेलिंग डायरेक्टली टू द कंज्यूमर इट इज एबल टू एलिमिनेट अननेसेसरी मिडल मैन सो स्टूडेंट चेन स्टोर में बेसिकली आप जो गुड्स है वो डायरेक्टली परचेज करते हो मैन्यूफैक्चर से और उसको फिर डायरेक्टली सेल कर देते हो कंज्यूमर्स को विद द हेल्प ऑफ दीज रिटेल चेन्स सो यू आर एलिमिनेटिंग द मिडिल मैन इन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इससे क्या होता है आपके जो भी गुड्स आप कंज्यूमर्स को सेल कर रहे हो वो कैसे होते हैं वो लोअर प्राइस के हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है मिडिल मैंस का ओके विद दिस स्टूडेंट वी हैव अनदर एडवांटेज ऑफ चेन स्टोर डेट इज़ नो बैड डेट्स सो स्टूडेंट्स एज ए ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पे गुड्स जो है वो कैश बेसिस पे सेल किए जाते हैं यहाँ पे आप प्रोडक्ट को खरीदिए और उसी टाइम पे आप जो है वो सेलर को पर्टिकुलर प्राइस जो है प्रोडक्ट का पे कर देते हैं सो so, यहाँ पे कोई भी क्रेडिट पे क्रेडिट बेसिस पे सेल्स नहीं की जाती और जब क्रेडिट बेसिस पे सेल्स की ही नहीं जा रही है तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती बैड डेट्स की डाउटफुल डेट्स की ओके सो नो बैड डेट्स विल अराइज एंड नो रिडक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल्स विद दिस स्टूडेंट वी हैव अनदर एडवाटेज ऑफ चेन स्टोर दैट इज़ कन्वीनियंस इन शॉपिंग सो स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर शॉप जो हैं वो इम्पॉर्टेंट एरियाज में लोकेट की जाती हैं जैसा कि हमने स्टूडेंट आपको बताया था ये पर्टिकुलर शॉप जो हैं वो फेयरली पॉपुलेटेड लोकेशंस में लोकेट की जाती हैं इस्टेब्लिश की जाती हैं जिससे कि कस्टमर्स जो हैं वो ईजिली इन तक पहुँच पाएँ और कंज्यूमर्स को लार्ज डिस्टेंस ना कवर करना पड़े इन पर्टिकुलर स्टोर्स तक पहुंचने के लिए हर कोई इनके पास ईजिली पहुंच जाए ओके okay? और अपनी शॉपिंग जो है वो पूरी कर सके सो स्टूडेंट देयर फॉर कस्टमर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस फॉर लॉन्ग डिस्टेंस फॉर मेकिंग परचेज ओके विद दिस स्टूडेंट वी हैव एनदर एडवाटेज ऑफ चेन स्टोर डेट इज पब्लिक कॉन्फिडेंस सो स्टूडेंट्स मल्टीपल शॉप्स इन्जॉय पब्लिक कॉन्फिडेंस ड्यू टू फिक्सड प्राइज स्टैंडर्ड क्वालिटी यूनिफॉम अपियरेंस एंड सेलेक्शन ऑफ गुड्स विद द हेल्प ऑफ सेल्स मैन सो स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर चेन स्टोर जो हैं या ये मल्टीपल शॉप जो हैं वो पब्लिक कॉन्फिडेंस इन्जॉय करते हैं बिकॉज स्टूडेंट्स ये आपको फिक्सड प्राइस पर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो भी बहुत ही स्टैंडर्डाइज होती है ये सबको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं इन पर्टिकुलर चेन स्टोर्स का अपियरेंस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कलर स्कीम जो है वो भी एक ही जैसी होती है प्लस इनके जो सेल्समैन होते हैं वो हेल्प करते हैं आपको गुड्स को ईजिली सेलेक्ट करने में ओके विथ दिस स्टूडेंट वी हैव सम डिसएडवांटेजेस ऑफ चेन स्टोर्स ऑल्सो सो सम लिमिटेशन ऑफ चेन स्टोर लिमिटेड वराइटीज सो स्टूडेंट मल्टीपल शॉप डील ओनली इन लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट सो स्टूडेंट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये पर्टिकुलर चेन स्टोर जो है वो वराइटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो अपने कंज्यूमर्स को अवेलेबल नहीं कराते हैं ये पर्टिकुलर सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट में ही डील करते हैं सो so, ये एक पर्टिकुलर लिमिटेशन है अगर आपको फुटवेयर खरीदने हैं तभी आप बाटा स्टोर जाते हैं अगर आपको फुटवेयर नहीं खरीदना तो, तो आप उसको विजिट नहीं करते हो मोर ओवर स्टूडेंट्स अगर आपको कोई और भी प्रोडक्ट लेना हो उसके साथ तो आप उनके यहाँ से नहीं परचेज कर सकते अगर आपको फुटवेयर लेने हैं फुटवेयर से रिलेटेड कोई चीज़ें लेनी है सॉक्स लेने हैं तो आप उनके यहाँ विजिट करते हो वरना आप नहीं करते ओके okay, तो ये एक आपकी लिमिटेशन है चेन स्टोर की विद दिस वी हैव अनदर लिमिटेशन डैट इज़ अपसेंस ऑफ सर्विसेज स्टूडेंट्स कस्टमर डू नॉट गेट क्रेडिट होम डिलीवरी एंड अदर फैसिलिटीज़ सो स्टूडेंट्स आपने देखा था डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ सर्विसेज प्रोवाइड कराते थे अपने कंज्यूमर्स को जैसे कि रेस्ट रूम रेस्टोरेंट्स क्रेडिट फैसिलिटीज़ होम डिलीवरी किड्स का गेमिंग जोन था उनके पास बट ऐसा कुछ भी चेन स्टोर्स में नहीं होता है ना ही आपको ये होम डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं ना ही ये क्रेडिट पे आपको गुड्स देते हैं ना ही ये और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं ओके तो ये एक लिमिटेशन है चेन स्टोर की विद दिस स्टूडेंट वी हैव अनदर लिमिटेशन दैट इज़ लैक ऑफ पर्सनल टच सो स्टूडेंट द ओनर लूजेज डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर सो स्टूडेंट्स चैन स्टोर में भी डिपार्टमेंटल स्टोर की जगह ओनर का पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है कंज्यूमर से और जो भी पर्टिकुलर पेड स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है कंज्यूमर्स के साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट बनाने में ओके वो सिर्फ क्या करता है वो आप आए उनके यहाँ आपको उन्होंने डील किया और उसके बाद दे डोंट नो यू सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ओनर का कंज्यूमर के साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है और ये एक लिमिटेशन है चेन स्टोर की विद दिस स्टूडेंट वी हैव अनदर लिमिटेशन डेट इज़ इन फ्लेक्सीबिलिटी सो स्टूडेंट ऑल द ब्रांचेज सेंट्रली कंट्रोल्ड एंड यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ आर अडॉप्टड फॉर ऑल द शॉप्स सो स्टूडेंट इन पर्टिकुलर शॉप्स में क्या होता है इन पर्टिकुलर स्टोर्स में इनफ्लेक्सीबिलिटी होती है सारे आपके चेन स्टोर जो हैं सारे ब्रांचेज जो हैं एक पर्टिकुलर स्टोर के वो बेसिकली कंट्रोल किए जाते हैं और मैनेज किए जाते हैं एक हेड ऑफिस के थ्रू एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी पॉलिसीज़ बनाई हैं जो भी आपके टर्म्स और कंडीशंस बनाए हैं वो सारी शॉप्स को अडॉप्ट करने पड़ते हैं और वो उन्हीं पॉलिसीज़ के अंदर वर्क करते हैं और उससे वो बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते ओके okay? विद दिस स्टूडेंट वी हैव अनदर लिमिटेशन दैट इज नो क्रेडिट सेल्स सो स्टूडेंट दिस इज एन लिमिटेशन की ये यहाँ पे आपको कोई भी चीज क्रेडिट पर बेचते नहीं है ये सिर्फ कैश बेसिस पे ही डील करते हैं विद दिस स्टूडेंट वी हैव अनादर लिमिटेशन ऑफ चेन स्टोर दैट इज हैवी लॉस ड्यू टू चेंज इन डिमांड सो स्टूडेंट प्रोडक्शन इज ऑन अ लार्ज स्केल टू सप्लाई गुड्स टू मल्टीपल शॉप्स इफ the द डिमांड ऑफ गुड्स फॉल इन द मार्केट इट रिजल्ट इन अज लॉज बिकॉज ऑफ ह्यूज स्टॉक ऑफ गुड्स सो स्टूडेंट्स एज ए ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक पर्टिकुलर कंपनी की नंबर ऑफ़ रिटेल शॉप नंबर ऑफ चेन स्टोर होते हैं नंबर ऑफ मल्टीपल शॉप्स होते हैं और इन सारे शॉप्स को गुड्स प्रोवाइड कराने के लिए गुड्स को सप्लाई करने के लिए आपकी कंपनी जो है वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती है जिससे कि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को डील कर पाए इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर पाए बट स्टूडेंट्स अगर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में सेल नहीं हो पाते हैं अगर इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो कम हो जाती है मार्केट में गिर जाती है दिस मीन्स कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होता है क्योंकि अब ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो हैं वो मार्केट में बिकेंगे नहीं और अगर बिकेंगे भी तो नंबर ऑफ ह्यूज डिस्काउंट्स पे आपको इनको सेल करना पड़ेगा कंज्यूमर्स को विच इज़ अल्टीमेट लॉस ऑफ द कंपनी ओके सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चेन स्टोर्स और मल्टीपल शॉप्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ हो प्लीज़ स्टूडेंट्स गो थ्रू योर बुक रीड इट फ्रॉम देयर एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट प्लीज़ आस्क योर क्वेरीज टू मी एंड इफ यू फाइंड माई वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक माई वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ओके थैंक यू